मसीहा ए मेरे कातिल, ए मसीहा मेरे, शुक्रिया ए मेरे कातिल, ए मसीहा मेरे, जहर जो तूने दिया बस तू ही नहीं मुझसे खपा हो बैठा, एक बस तू ही नहीं मुझसे खपा बैठा। नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे मेहंदी हसन आजाद की ही एक मशहूर गजल, एक बस तू ही नहीं मुझसे खपा हो बैठा, जो लिखी हुई है फरहत शहजाद साहब की। दोस्तों ये गजल राग मियां की मलहार में कंपोज की हुई है। सबसे पहले हम जानेंगे मियां की मलहार का बारे में थोड़ा। मियां की मलहार में दोनों निषाद इस्तेमाल हुए हैं और कंधार कोमल है, कोमल तो क्या है, आंदोलन है, मगर उसको कोमल लिखने में कोमल ही बोलते हैं। तो देखते हैं इसका चलन। सानी सारे नी दनी मापानी दनी सा नी सारे पागा मारे सारे नि सारे नी बाबा नी गनी सा पागा। ये गंधार जो लग रहा है ये मध्यम से होते हुए आ रहा है, तो मध्यम के सारे जो पागा पागा पामगा नि सारे पागा मारे पागा मारे सारे सानी सानी गनी सा निसाय मारे पा पा मा पा नी दनी मा पा नी गा मारे पा पा मा पा नी दनी नी मा पा नी दनी नी दनी सा मा पा नी दनी सा ये दोस्तों सबसे पहले करते हैं स्थाई। एक बस तू ही नहीं ने सारे पा गा मारे सारे एक बस तू ही नहीं मुझसे खपा सारे नी नी मापा मुझसे खपा हो बैठा नींद नी नी सा एक बस तू ही नहीं ने सारे पागा मारे सारे मुझसे खपा हो बैठा सारे नी नी मापा नींद मैंने जो संग निसा मारे पा मैंने जो संग तेरा सा पानी पा मा पानी ने तेरा सा वो खुदा निसा मारे पा पानी पा मा पानी नी रे नी सा
लगा मन सर, मैंने जो संग तेरा सा वो खुदा हो बैठा। निजा मन पा पनी पमा पनी निदनी निसाग मारे सारे, एक बस तू ही नहीं मुझसे खपा हूँ बैठा। आइए दोस्तों करते हैं इसका अंतरा। शुक्रिया मा पनी सारे शुक्रिया, ए मेरे कातिल मा पनी सारे रे मारे सानी, ए मसीहा नीलनी सा ए मसीहा मेरे नीले सा। दूसरी बार में ये थोड़ा चेंज हो जाती है। मा पनी सारे शुक्रिया ए मेरे कातिल, इतनी शेम है। मा पनी सारे रे मारे सानी ए मसीहा मेरे नीने सा गा मारे सारे, नीने सा गा मारे सारे जहर जो तूने। ये सेम है जो स्टाइल की दूसरी लाइन की तरह। दोस्तों इसमें एक अंतरा है, उसकी धुन थोड़ी अलग है जो मैं बता देता हूँ आपको। हद चीन गई माँ पानी दनी सा, मस्ते हद चीन गई कुवते को तार मगर, माँ पानी दनी सा निशा रे पागा मारे सारे सा, चीन गई कुवते कुत्ता हार मगर। कुछ न कहना ही मेरा मेरी सदा हो बैठा। ये सेम स्टाइल की जो दूसरी लाइन है उसी तरह। एक बस तू ही नहीं मुझसे खपा बैठा। दोस्तों ऐसा करता हूँ कि ये गजल आपको पसंद आएगी।